देश के इन विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर है पाबंदी। तिरुमला मंदिर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध में सबसे पहले जिक्र देश के सबसे अमीर हिंदू मंदिर तिरुपति के तिरुमला मंदिर की। यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अगर गैर हिंदू इस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना हो जिसमें भगवान वेंकटेश्वर में आस्था की घोषणा करनी होगी। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में केवल परंपरागत हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस आधार पर यहां पर दर्शन करने से रोक दिया गया था कि उनके पति पारसी थे। इसी तरह की कई अन्य घटनाएं यहां हो चुकी हैं। गुरुवायूर मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित गुरुवायूर मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी है। यह भगवान कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध 5 मंदिरों में से एक है। यहां दर्शन करने से पहले अपनी शर्ट उतारकर मुंडू पहनना होता है। महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहनने की अनुमति है। गायक येशुदास को यहां प्रवेश नहीं करने दिया गया था। लिंगराज मंदिर ओडिशा लिंगराज मंदिर ओडिशा आने वालों के लिए पसंदीदा ठिकाना है। यहां करीब 6000 लोग प्रतिदिन आते हैं। वर्ष 2012 में यहां पर एक रूसी पर्यटक ने प्रवेश कर बवाल मचा दिया था। इसके बाद मंदिर परिसर को शुद्ध किया गया। अशुद्ध हो जाने से 50,000 रुपये का प्रसाद फेंक दिया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल इस मंदिर का उल्लेख महाकाव्यों और पुराणों में है। इसे त्रावणकोर के राजा ने 16वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर के तहखाने में राजा ने अपना खजाना छिपाकर रखा था जो आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। यहां करीब 90,000 करोड़ की संपदा मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। भगवान पशुपतिनाथ का यह मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। इस मंदिर में केवल भारतीय हिंदू और तिब्बती बौद्धों को प्रवेश की अनुमति है।